सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। गूगल क्रोम ब्राउजर में दीक्षा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण इस प्रकार करें पूर्ण बिना किसी लिंक की सहायता से। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा दीक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण का थर्ड मॉड्यूल यानी स्थानीय मान अभी चल रहा है, लेकिन कई शिक्षक साथियों के ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका दीक्षा पोर्टल ऑन नहीं हो रहा है, राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है। तो उन सभी को मैंने कई बार एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया था, उस लिंक के जरिए भी वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक और नई ट्रिक्स लेकर आया हूँ। उस ट्रिक्स में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, कोई लिंक नहीं करना, आप गूगल क्रोम की सहायता से ही आप अपनी ट्रेनिंग पूर्ण कर सकते हैं। क्या क्या करना होगा, कैसे वो स्टेप करेंगे, आज की इस वीडियो में मैंने जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको गूगल क्रोम की सहायता से आप ट्रेनिंग किस प्रकार पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में ही काम कर रहे हैं या मोबाइल में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर में किसी में भी काम करो, दोनों में ही ये बहुत यूज़फुल रहेगा। आपको कोई लिंक याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। खोलते हैं गूगल क्रोम। देखिए साथियों, मैं आ गया हूँ गूगल क्रोम में। यहाँ आपको सिर्फ एक ही टाइप करना है, dixa.gov.in। ये देखिए साथियों, जैसा कि मैंने लिखा है ऊपर dixa.gov.in। इस तरह से अगर आप गूगल क्रोम में टाइप करेंगे तो आपके सामने दीक्षा का ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे दीक्षा के बारे में जो भी सामग्री है वो आपको मिलेगी, आप यहाँ से बहुत सारी सामग्री ले सकते हैं। लेकिन आपने फ़िलहाल हमें तो एक ट्रेनिंग करनी है अपनी राजस्थान राज्य के लिए, जो ट्रेनिंग है राइस मॉड्यूल जो ऑन किया गया है दीक्षा पोर्टल पर, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमें यहाँ पे राइट साइड में देखिए एक्सप्लोरर कंटेंट लिखा हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने दीक्षा का पोर्टल ऑन होगा। ऊपर आधी तिरछी लाइनें आएगी जिसके ऊपर हमें लिखा आएगा यू आर टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीचर के ऊपर हमें सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों राजस्थान आ गया। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब दोबारा आपको ऊपर यहाँ जो ये लाइनें नज़र आ रही है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कोर्स लाइब्रेरी लॉगिन, तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, वेलकम टू दीक्षा। यहाँ पे हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम का चयन करेंगे। ये देखिए चयन कर लिया है हमें लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम का, तो यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा स्टेट राजस्थान है, तो हम राजस्थान सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने दीक्षा का ये स्टाफ कॉर्नर शाला दर्पण का ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमें अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है कैप्चा डालकर। लॉगिन करने के बाद दोस्तों दीक्षा का ये राजस्थान इंटरफेस और स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा शुरू हो चुका है। अब दोबारा हमें यहीं पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम नज़र आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे मर्ज अकाउंट या लाइब्रेरी कोर्स जो भी है वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपको ट्रेनिंग करनी है, तो कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद हमारे सामने ये देखिए कोर्स आ रहे हैं, शिक्षण में चिंतन की महत्ता, सीखने के प्रतिफल, गणित के कौशल, और साथ में हमारा जो अभी चल रहा है वर्तमान में वो है स्थानीय मान। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना स्थानीय मान का जो कंटेंट है वो भी पूर्ण कर सकते हैं। ये देखिए तो मैं स्थानीय मान खोलता हूँ तो जो जो कंप्लीट है वो हमारा यहाँ दिखा भी रहा है कौन कौन सा कंप्लीट है, और साथ में अगर नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखा देगा। तो साथियों कैसी लगी आपको ये जानकारी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।